नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। सुसनेर में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल होने आगर मालवा जिले के सुसनेर स्थित कामधेनु गो अभयारण्य सालरिया पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से 3:27 पर गौ अभयारण्य में बनाए गए हेलीपैड पहुंचे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने गौ अभयारण्य में गोकष्टों का निरीक्षण किया, साथ ही गौ अभयारण्य की परिक्रमा कर गौ पूजन किया, कन्या पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ गोवर्धन पूजा एवं गौ माता की पूजा कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं खुशहाली के लिए मंगल कामना की। गौ अभयारण्य संचालन समिति ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत कर स्मृति चिन्ह के रूप में गाय की मूर्ति भेंट की है। 49 करोड़ से अधिक के कार्यों का किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सालरिया स्थित कामधेनु गौ अभयारण्य में से ही आगर जिले में होने वाले 49 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें उनके सड़कों का निर्माण, आगर मालवा में विधि महाविद्यालय के भवन का निर्माण आदि आने कार्यों का भूमि पूजन किया, शासकीय विभागों द्वारा लगाई प्रदर्शनी का किया अवलोकन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौ अभयारण्य में शासकीय विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मंच पर दिखी भारतीय परिधान की झलक। सालरिया स्थित गौ अभयारण्य में आयोजित गोवर्धन पूजन और हो पूजन कार्यक्रम में मंच पर भारतीय परिधान की झलक देखने को मिली। साधु संतों के अलावा अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और उपस्थित अतिथि और राजनेता सभी भारतीय परिधान धोती पहने हुए दिखे। इस अवसर पर पशु चिकित्सा मंत्री लखन सिंह पटेल, सांसद द्रोणमल नागर, आगर विधायक मधु गहलोत, पूर्व विधायक राणा विक्रम सिंह, पूर्व विधायक बद्रीलाल सोनी, पूर्व विधायक मुरलीधर पाटीदार, पूर्व विधायक फूलचंद बेदिया आदि मौजूद रहे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।